हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो गाइस, दिस इज आर रैंक बूस्टर नंबर 49 और एक और के बाद हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी अपनी रैंक बूस्टर वाली सीरीज की। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है केमिकल थर्मोडायनामिक्स का, और ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट जून 2019 में। अब ये वाला क्वेश्चन नेट गेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में IIT जैम वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, केमिकल पोटेंशियल, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ 2 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन। 2 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट। यहाँ पर ना बेसिकली दो कॉन्सेप्ट को एक साथ कंबाइन करके एक क्वेश्चन में पूछा गया है। एक तो यहाँ पर आपका चेक हो जाएगा केमिकल पोटेंशियल का, आपको फॉर्मूला पता है या फिर नहीं पता। इसके बाद कंसंट्रेशन तो ठीक है, प्रेशर भी ठीक है, क्या आपको एक्टिविटी के बारे में आइडिया है? अगर एक्टिविटी के बारे में आइडिया है तो क्या आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट पता है कैसे निकालते हैं? क्या आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हो एक्टिविटी कोफिशिएंट? तो ये सब चीज़ें आपकी एक ही क्वेश्चन में चेक हो जाएंगी, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं, क्योंकि ना टू बी वेरी फ्रेंक विद यू, हमें एक चीज़ पता होती है कि एज अ स्टूडेंट हम ना कंसंट्रेशन हो, अगर प्रेशर होता है, हम ना नॉर्मल रहते हैं कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही हमें दिखा एक्टिविटी, जैसे ही दिख गया एक्टिविटी कोएफिशिएंट, समझ लेते हैं ये नहीं होना क्वेश्चन सॉल्व। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा होता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में हमेशा हम सिर्फ कंसंट्रेशन प्रेशर की बात करते हैं। इनफैक्ट मोर देन दैट, 95-96% क्वेश्चंस में हम हमेशा कंसंट्रेशन या प्रेशर डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस से बहुत कम करते हैं, और क्वेश्चंस आते भी बहुत कम हैं। इस वजह से जैसे द एक्टिविटी, बस लगता है कि ये तो नहीं होने वाला है। बट ये ईजी है, इसको आप ध्यान से देखेंगे सो दैट अगर आपको इन फ्यूचर कभी एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन मिले तो आप वो भी अटैम्प्ट कर कराओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल पोटेंशियल आपको निकालनी है ना। तो केमिकल पोटेंशियल का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू नॉट प्लस RTln PyP0। ये वाला फॉर्मूला होता है केमिकल पोटेंशियल का। अगर आपने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा। इन केस भूल गए हो, रिवाइज कर लो, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्टिविटी को हम, एक्टिविटी कोएफिशिएंट निकालेंगे कैसे 2 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन के लिए। ध्यान से सुनना, आजकल ना ऐसे वाले कॉन्सेप्ट बार बार पूछ रहे हैं। जैसे इस बार रिसेंटली गेट 2020 में भी उस पर एक्टिविटी कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन आया था। ओके, तो अगर मैं आपको ये जनरल लिखूं, कोई भी सॉल्ट आपके सामने, हमने लिखा MXAY, हमने ये जनरलाइज कर दिया, अपने पास एक सोल्यूशन है, सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट जो कहना है वो कह लो, डिसोसिएट हुआ कम्प्लीटली। अगर मैं इसको करवाऊँ कम्प्लीटली डिसोसिएट, तो हमें ये पता होता है कि पहले वाला हमारा कटायन होता है, बाद वाला अनायन होता है। ऐसे हम लिखते हैं हमेशा, फॉर एग्जाम्पल NaCl है ना, कटायन लिखते हैं पहले फिर अनायन लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये M है, ये होगा कटायन होगा, तो इसको मैंने लिखा XmY प्लस Y टाइम्स ऑफ AX माइनस, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन है तो ऐसे देखो, अगर मैं लिखूँ MgCl2, कैसे करवा दें इसको डिसोसिएट, ये 2 किसका होता है, इसका ना, तो इसको हम लिखेंगे Mg2+ एंड देन 2 और Cl-, तो बिल्कुल मैंने वैसे ही उसी पैटर्न में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने जनरलाइज कर लिया कि हमारे पास सॉल्ट को, इलेक्ट्रोलाइट को हम इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, लिखा हमने। अब ना अगर मुझे निकालनी है एक्टिविटी, मुझे निकालनी है एक्टिविटी ऑफ MXAY, किसके इक्वल होगी वो, वो इक्वल होती है, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही यहाँ पर, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ। एक्टिविटी होती है इक्वल टू X^(x), x क्या है आपके कैटायन का कोफिशियंट, x क्या है आपके कैटायन का कोफिशियंट, इंटू Y^(y), y क्या है आपके अनायन का कोफिशियंट, इतना आप लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर Γ±, इंटू M इज योर कंसनट्रेशन (x+y), (x+y)। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो आपको ना बस ये वाला फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व। अब ये वाला फॉर्मूला हो सकता है आपके माइंड में रहे, लेकिन ये भूल जाओ कौन से वाली चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं ना एक बार मेंशन कर देती हूँ सो दैट किसी भी हाल में मिस्टेक ना हो। सबसे पहले ये है आपके पास एक्टिविटी, या आपके सॉल्ट की एक्टिविटी, आपके इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी। ठीक है, एक्स क्या है, x हमने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है यहाँ पर, x इज द कोफिशियंट ऑफ कैटायन, इज द कोफिशियंट ऑफ कैटायन।
of cation, and y is the coefficient of anion. इसको बस कंफ्यूज मत करना, जैसा भी क्वेश्चन आएगा अपना पहले ये जनरल इक्वेशन लिखना, इसके रिस्पेक्ट में हमने ये लिखा है इसको लिखना. अब जैसा मर्जी सॉल्ट हो, जैसा मर्जी इलेक्ट्रोलाइट, आपको जो भी गिवन हो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ये क्या है अपने पास, ये है मेन एक्टिविटी कोफिशिएंट, मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, जो कि हमें जिसकी टर्म में हमें ये रिप्रेजेंट करना है. एम क्या है, एम है यहाँ पर कंसंट्रेशन, एम है यहाँ पर कंसंट्रेशन. तो फॉर्मूला ठीक है. अभी ना एक बार क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर 2 मोलर Na2SO4 आपको गिवन है ना. तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है, 2 मोलर. जैसे हमने MxAy को ब्रेक करा था वैसे हम Na2SO4 को करेंगे. Na2SO4 कैसे होगा, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस. ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x क्या है, x होता है कोफिशियंट ऑफ कटायन, यानी कि कटायन का कोफिशियंट कितना है, 2. y कितना है, y होता है कोफिशियंट ऑफ अनायन, कितना है, 1. तो हमने लिखा यहाँ पे 1. क्लियर है. कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 2 मोलर. तुम्हारे पास m की वैल्यू हो गई कितनी, 2. तो ऐसे करके हमने बाकी सब कुछ निकाल लिया. अब क्या बचा है, सिर्फ एक्टिविटी निकालना बचा है. सो एक्टिविटी ऑफ Na2SO4 विल बी इक्वल टू x टू द पावर x, यानी कि 2 to the power 2 इंटू y टू द पावर y इंटू गामा प्लस माइनस, m कितना है, 2 है, पावर x प्लस y, यानी कि 2 plus 1. इसको मैं लिखूँगी 4 इंटू 2 गामा प्लस माइनस टू द पावर 3. तो ये हमने एक्टिविटी निकाल दी Na2SO4 की. ठीक है, Na2SO4 की. अब ना आप एक काम करेंगे, आपका होमवर्क है ये. अगर आपको समझ में आया एक्टिविटी कैसे निकालते हैं तो आप ये होमवर्क करेंगे और मुझे ना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे. ठीक है, और बहुत काम आएगा आपको एग्ज़ाम में. लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पर कोई बड़ा सा सॉल्ट Fe2SO43. आपको इसके लिए लिखना है कि एक्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या होगा और मुझे आप इस वाली फॉर्म में बताएंगे. ठीक है, पूरा सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके इस वाली फॉर्म में बताएंगे. जो भी आगे आएगा देन गामा प्लस माइनस टू द पावर जितनी भी आएगी वो आप मुझे बताएंगे. इसको भी प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं. कितना हो जाएगा ये, 2 to the power 3 कितना होता है, 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 8 to the 4 is 32. 32 गामा प्लस माइनस क्यूब. तो जैसे मैंने ये लिखा है आप मुझे इसका आंसर इस वाली फॉर्म में बताएंगे. ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया यहाँ पर. अब बाकी अपना क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो हमने एक्टिविटी निकाल दी यहाँ पर, है ना. अब यहाँ पर आओ, जो अपना जनरल फॉर्मूला होता है केमिकल पोटेंशियल का उसमें एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन तो कोई बात ही नहीं है. यहाँ पर प्रेशर लिखा हुआ है क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, हम मैक्सिमम केसेस में गैस स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें प्रेशर की बात आ जाती है. अगर हम पढ़ रहे अभी सोल्यूशन तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे या फिर अपनी एक्टिविटी ले लेंगे. ठीक है, अब पी नोट क्या होता है, पी नोट हमारा हो गया स्टैंडर्ड प्रेशर, जिसको हमने 1 bar लिखा और उसको हटा दिया यहाँ से. फिर 1 होगी ना वैल्यू, हमने हटा दिया इसको. और प्रेशर के प्लेस में लिखूंगी एक्टिविटी, प्रेशर के प्लेस में लिख दिया एक्टिविटी किसकी, Na2SO4 की. बस आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. अभी वैल्यू पुट करते हैं. सो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है μ = μ0 + RTln एक्टिविटी ऑफ Na2SO4 जो हम अभी निकाल कर आए हैं. वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा μ0 + RTln ऑफ कितना आया था एक्टिविटी, 32 गामा प्लस माइनस टू द पावर 3. नो एक सेकेंड, इसकी पावर नहीं थी, इसकी पावर थी ln ऑफ 32 इंटू गामा प्लस माइनस टू द पावर 3. ऐसे था. बस इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रीअरेंज कर लेना है. मैंने लिखा है इसको μ0 + RT. अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सिंपल होता है ln A, भी क्या लिखते हैं उसको हम ऑफ B ऐसे लिखते हैं, इसको भी वैसे लिखेंगे. ये हो जाएगा
ln of 32 plus ln of ln plus to the power 3. ऐसे लिखेंगे. आगे देखो, म्यू नॉट प्लस आई टी. यहाँ पर देखो क्वेश्चन, जो ऑप्शन हमारे पास है ना, उसमें कहीं पर भी 32 नहीं है. मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर टर्म ही गायब हो रखी है पूरी की पूरी, वो वाली यहाँ पर 2 दिख रहा है ना. तो एक काम करेंगे, इसको 2 की फॉर्म में लिखेंगे. इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 5. कितना होता है, 32 ही होता है ना. और इसको वैसे का वैसे रहने दो. एक काम करो, ऐसे ले देते हैं, प्लस माइनस टू द पावर 3. ऐसे नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लिखते हैं यहाँ पर. अब तो सॉल्व हो ही गया, आपने आंसर निकाल ही लिया होगा अभी तो. तो इसके बाद में यहाँ पर लिख सकती हूँ इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी इंटू पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 एल एन 2 पावर आगे आएगी प्लस 3 लॉन ऑफ प्लस माइनस गामा प्लस माइनस. ऐसे ब्रैकेट को ओपन कर दो, कितना आएगा, म्यू नॉट प्लस 5 आर टी एल एन 2 प्लस 3 आर टी एल एन ऑफ गामा प्लस माइनस. और ऐसे करके कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है अपना, वो जाएगा करेक्ट आंसर. और ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स में. सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पर, दो चीज़ें थी. एक तो आपको केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, वरना आप एक्टिविटी की टर्म्स में ला नहीं पाओगे. आप 2 मोलर पर अटके खड़े हो जाओगे, आप ये एक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे, इसको एक्टिविटी कोफिशिएंट की टर्म्स में नहीं लेकर आ पाओगे. और अगर नहीं आ पाओगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. इसलिए क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया था. तो चलो हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए. तो यहाँ पर आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. जो नेक्स्ट वाला अपने पास रैंक बूस्टर आएगा, उसमें मैं ट्राई करूँगी कोई क्वेश्चन ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक में से लेने का. तो अब इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं. हैप्पी लर्निंग.